नमस्कार दोस्तों, हम लोग कक्षा 8 की एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, जिसमें कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था। कल हम लोगों ने पढ़ा था फसल के बारे में, फसल कितने टाइप की होती है। उसमें खरीफ और रबी की फसल पढ़ा था। उसके बाद हमने सिंचाई के मेथड को जाना था। उसके बाद हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा था। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे तीसरा चैप्टर उसका, जिसमें सिंथेटिक फाइबर या नेचुरल फाइबर है, उनके बारे में आज हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। दोस्तों, हमने नेचुरल फाइबर के बारे में पहले भी बताया था और सिंथेटिक फाइबर के बारे में पहले भी बताया था। नेचुरल फाइबर किसे कहते हैं दोस्तों? नेचुरल फाइबर उसे कहते हैं जो ऑप्टेन होते हैं। किससे? जो ऑप्टेन होते हैं हमको प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, उसे नेचुरल फाइबर कहते हैं। प्लांट से हमको कौन सा नेचुरल फाइबर? कॉटन और जूट, जूट फाइबर ये प्लांट से मिलते हैं। जूट फाइबर किससे मिलता है? स्टेम ऑफ जूट प्लांट से, जूट प्लांट से। और जो एनिमल से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं, एनिमल से, उसमें उसमें ऊल है, ऊल है। और क्या है दोस्तों? और सिल्क फाइबर है। ऊल हमको किससे मिलता है? ऊल हमको मिलता है सीप से, गोट से, यॉक से है। और भी बहुत एग्जांपल हैं। सिल्क हमको किससे मिलता है? बट अगर जनरली पूछा जाता है हमको, तो मैक्सिमम ऊल हमको सीप से प्राप्त होता है। सिल्क किससे मिलता है? ककून, ककून ऑफ सिल्क वर्म से हमें सिल्क फाइबर मिलता है। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर ये बनता किससे है? बनता है किससे? केमिकल, केमिकल सब्सटेंस से, या ह्यूमन बीइंग के द्वारा ये बनाया जाता है। इसका एग्जांपल क्या है दोस्तों? नाइलॉन है, पॉलिएस्टर है, पॉलिएस्टर है। तो ये सब सिंथेटिक फाइबर है। सिंथेटिक फाइबर में क्या होता है दोस्तों? इसमें स्मॉल यूनिट जो है ढेर सारी, वो चेन के रूप में जुड़ जाती हैं। जब इस तरह की ढेर सारी यूनिट कंबाइंड होके एक लार्ज यूनिट बनाती है, तो हम उसे ही क्या कहते हैं? उसे पॉलीमर कहते हैं। आप ये देख रहे होंगे, इसमें ढेर सारी छोटी छोटी चेन जो है, ये सब ज्वाइंट होके क्या बनाती हैं? एक पॉलीमर बना रही हैं। तो पॉलीमर दोस्तों, पॉलीमर का अर्थ ही होता है, पॉली का मतलब होता है अनेक, मर का होता है, मर मतलब अनेक भाग। तो पॉलीमर बना होता है बहुत सारी स्मॉल सब यूनिट का। ये स्मॉल सब यूनिट ये ज्वाइन होके लार्ज सब यूनिट बना रही है, इसे ही कहते हैं पॉलीमर। दोस्तों, इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अगर पूछा जाए कॉटन किसका पॉलीमर है दोस्तों, तो ये सेलुलोज का पॉलीमर है। सेलुलोज किसका बना होता है? ये बना होता है स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट ग्लूकोज का। इसमें ढेर सारी ग्लूकोज ज्वाइन होके सेलुलोज बनाते हैं। और कॉटन किसका पॉलीमर है दोस्तों? सेलुलोज का पॉलीमर है। दोस्तों, अभी तक हमने नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर के बारे में कई बार पढ़ लिया था। आज हम सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें पहला सिंथेटिक फाइबर है, जिसे रेयान या आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। ये फाइबर किससे ऑब्टेन होता है? ये फाइबर ऑब्टेन होता है केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा वुड पल्प से। चूंकि रेयान क्या है? रेयान ऑब्टेन हो रहा है नेचुरल सोर्स से, वुड पल्प से। फिर भी ये क्या है? ये मैन मेड फाइबर है, मैन मेड फाइबर है। तो रेयान किससे प्राप्त होता है, ये याद रखिएगा दोस्तों। ये ऑप्टेन होता है वुड पल्प से, वुड पल्प से ऑप्टेन होता है रेयान। क्योंकि वुड पल्प का क्या होता है? वुड पल्प का केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, इसके बाद हमको रेयान या आर्टिफिशियल सिल्क मिलता है, इसलिए ये एक सिंथेटिक फाइबर है। दूसरा सिंथेटिक फाइबर क्या है? दूसरा सिंथेटिक फाइबर दोस्तों नाइलॉन है। नाइलॉन
ये भी मैन मेड फाइबर है। हमने बताया था जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं ये केमिकल सब्सटेंस से बनते हैं, या मैन मेड फाइबर होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर। तो नाइलॉन भी एक मैन मेड फाइबर है, ये सिल्क के जैसे दिखता है। ये किससे बनता है? इसमें कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल नहीं यूज किया जाता है, जो प्लांट और एनिमल ओरिजिन का हो। इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं? कोल से, वाटर से, एयर से। तो ये क्या है? पहला फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है नाइलॉन। नाइलॉन फाइबर कैसा होता है? स्ट्रांग होता है, बहुत इलास्टिक होता है, बहुत हल्का होता है, और ये लस्ट्रस होता है, और इसको बहुत आसानी से धुल सकते हैं। इसका यूज क्या है दोस्तों नायलॉन का? इसका यूज याद रखिएगा, मेकिंग रोप, रोप रस्सी बनाने में इसका यूज करते हैं। टेंट में, टेंट में नायलॉन का यूज करते हैं। टूथब्रश में, टूथब्रश में नायलॉन फाइबर का यूज किया जाता है। कार सीट बेल्ट में भी इसका यूज किया जाता है। कर्टन में इसका यूज किया जाता है। और रोप, रोप फॉर रॉक, रॉक क्लाइंबिंग में, क्लाइंबिंग में नाइलॉन फाइबर का यूज किया जाता है। तो एग्जाम्पल याद रखिएगा दोस्तों। दोस्तों इसके बाद क्या है? पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर भी एक सिंथेटिक फाइबर है। इन फाइबर से जो कपड़े बनते हैं उसमें झुर्रियां आसानी से नहीं पड़ती हैं। एग्जाम्पल इसमें एक टेरिलीन, टेरिलीन, टेरिलीन क्या है? एक पॉलीएस्टर है, पॉलीएस्टर है, पॉलीएस्टर है। इसको क्या कर सकते हैं? इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसको बहुत महीन धागों में, बहुत महीन धागों में खींचा जा सकता है। मतलब टेरिलीन एक ऐसा पॉलीएस्टर है जिसको बहुत महीन धागों में खींचा जा सकता है। और इसे फिर इसे क्या कर सकते हैं? इसे हम तंतु के समान, इसको हम तंतु के समान बुन भी सकते हैं, बुन भी सकते हैं, बुन भी सकते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा दोस्तों पेट, पेट ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पेट का फुल फॉर्म क्या है? पॉली इथाई लीन टेरिप्थलीन। ये एक पॉलीएस्टर है। ये क्या है? पेट, पेट एक पॉलीएस्टर है। इसका यूज किया जाता है बनाने में क्या? बनाने में बोटल, 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 यूटेंसिल, यूटेंसिल और फिल्म वायर, इन सबको बनाने में ये यूज किया जाता है पेट का। पेट का फुल फॉर्म याद रखिएगा दोस्तों, पॉली एथिलीन टेरेप्थलीन। ये क्या है? ये एक पॉलीएस्टर है। इसका यूज किया जाता है बोतल बनाने में, यूटेंसिल बनाने में और फिल्म वायर बनाने में। दोस्तों ये नोट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पॉलीएस्टर का मतलब क्या होता है? ये बना होता है दो चीजों का, पॉली प्लस एस्टर। इनकी रिपीटिंग यूनिट जो होती है वो केमिकल एस्टर की बनी होती है। एस्टर क्या करते हैं? एस्टर फलों में दोस्तों गंध पैदा करते हैं, गंध पैदा करते हैं। पॉलीकॉट क्या है दोस्तों? पॉलीकॉट मिक्सचर होता है पॉलीएस्टर और कॉटन का। नाम से याद रखिएगा, कॉट पॉलीकॉट, पॉलीकॉट का मतलब हो गया पॉलीएस्टर और कॉटन। ऐसे पॉलीवुल नाम से याद रखिएगा, पॉलीएस्टर प्लस वूल का मिक्सचर है ये। इसके बाद दोस्तों हम एक सिंथेटिक फाइबर पढ़ेंगे, एक्राइलिक। दोस्तों जो हम स्वेटर पहनते हैं, साल पहनते हैं या ब्लैंकेट पहनते हैं, उसमें से बहुत से ऐसे सब्सटेंस जो नेचुरल वूल के नहीं बनते हैं, ये बनते हैं एक सिंथेटिक फाइबर से, जिसे कहते हैं एक्राइलिक फाइबर। पेट्रोकेमिकल क्या है? पेट्रोकेमिकल या पेट्रो रसायन ऐसे केमिकल होते हैं, ये एक सिंथेटिक फाइबर है जिनको प्रिपेयर किया जाता है। रॉ मटेरियल किसको यूज करके? रॉ मटेरियल जो पेट्रोलियम ओरिजिन के हैं उनको यूज करके ये सिंथेटिक फाइबर बनाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? पेट्रो रसायन कहते हैं। अब इसके बाद क्या है एग्जांपल दोस्तों? उसके बाद प्लास्टिक है। प्लास्टिक भी एक सिंथेटिक फाइबर है। सारे प्लास्टिक में एक तरह की अरेंजमेंट नहीं होती है। कुछ प्लास्टिक लीनियर अरेंजमेंट में होते हैं, कुछ प्लास्टिक क्रॉस लिंक्ड होते हैं। दोस्तों इसका एग्जांपल याद रखिएगा कि जो
पॉलीथीन है, पॉलीथीन है, एक प्लास्टिक है, इसका यूज किया जाता है, इसका यूज किया जाता है किसमें? पॉलीथीन, पॉलीथीन बैग बनाने में इसका यूज किया जाता है। प्लास्टिक को दोस्तों हम क्या कर सकते हैं? प्लास्टिक को हम रिसाइकिल कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, हम इसको कलर कर सकते हैं। कोई प्लास्टिक की चीज आप उसको कलर करके देखिए, कलर हो जाएगा। इसको हम मेल्ट भी कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं। इसको हम रोल्ड भी कर सकते हैं, सीट के रूप में रोल्ड भी कर सकते हैं इसको, सीट के रूप में, या हम इसको वायर के रूप में भी बना सकते हैं प्लास्टिक को। तो दोस्तों प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक एक सिंथेटिक फाइबर है। इसके में जो यूनिट का अरेंजमेंट होता है इसमें एक टाइप से नहीं होता है, इसमें कुछ में लीनियर अरेंजमेंट होता है, कुछ प्लास्टिक में क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट होता है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इसके बाद हम पढ़ेंगे थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं। थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होते हैं जो इजिली हीट करने पे क्या होते हैं? डिफॉर्म हो जाते हैं, या अपनी शेप चेंज कर देते हैं, या इनको आसानी से मोड़ा जा सकता है, उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। आप ये देख रहे होंगे थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल दे रखा है, ये डिब्बा और ये वायर। जब आप इसको हीट करोगे तो इसका ये पिघल जाएगा या बेंड हो जाएगा, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक। एग्जाम्पल पॉलीथीन या पीवीसी, इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्लोराइड इसका यूज किस में करते हैं दोस्तों? इसका यूज करते हैं टॉय में, कॉम्ब मैन्युफैक्चरिंग में। जितने भी टॉयज बनते हैं वो थर्मोप्लास्टिक के बनते हैं, और जितनी भी कंघियां ये सब बनती हैं ये थर्मोप्लास्टिक की बनती हैं। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये एक ऐसा प्लास्टिक होता है जिनको एक बार किसी सांचे में एक बार ढाल दिया जाता है तो उन्हें उष्मा देकर क्या है? नरम नहीं किया जा सकता, नरम नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? एग्जाम्पल बेकेलाइट और मिलामाइन है। बेकेलाइट के बारे में दोस्तों ये क्या है? बेकेलाइट पुअर कंडक्टर है किसका? बहुत पुअर कंडक्टर है किसका? हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। ये बहुत पुअर कंडक्टर है, इसलिए इसका यूज किया जाता है किसमें? मेकिंग इसका यूज किया जाता है, बनाने में इलेक्ट्रिकल स्विच का यूज किया जाता है बनाने में, और हैंडल बनाने में, वेरियस यूटेंसिल के हैंडल बनाने में हम बेकेलाइट का यूज करते हैं। मिलेमाइन क्या है दोस्तों? मिलेमाइन वो सब्सटेंस है जो क्या करता है? फायर को रेजिस्ट करता है, आग लगने से रोकता है, और हीट को बहुत अच्छे से बर्दाश्त कर लेता है। मिलेमाइन उसे कहते हैं, उस प्लास्टिक को। ये प्लास्टिक यूज किया जाता है कहाँ पे? फ्लोर की टाइल्स बनाने में, किचन वेयर बनाने में, और फाइबर बनाने में जो आग को नहीं पकड़ते हैं। तो दोस्तों आप ये देख रहे होंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के कुछ एग्जाम्पल। अभी हमने बताया था बेकेलाइट का उपयोग इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में किया जाता है, ये हैंडल बनाने में यूटेंसिल का बेकेलाइट का उपयोग किया जाता है, बाकी मिलेमाइन का यूज किया जाता है फ्लोर टाइल्स बनाने में, किचन के बर्तन बनाने में, और फैब्रिक बनाने में जो आग नहीं पकड़ते हैं। दोस्तों प्लास्टिक ही एक मटेरियल चॉइस के रूप में यूज किया जाता है, क्यों? पहला रीजन ये है कि प्लास्टिक जो होता है दोस्तों वो नॉन रिएक्टिव होता है, ये रिएक्ट नहीं करता है किससे? ना तो ये एयर से रिएक्ट करेगा, ना वाटर से रिएक्ट करेगा, जबकि हमने बताया था मेटल, फॉर एग्जांपल आयरन को देख लो, ये एयर और वाटर की प्रेजेंस में क्या होता है? इसमें रस्टिंग हो जाती है, और ये जो आयरन होता है मेटल का जितने भी है, जब इसमें रस्टिंग हो जाती है तो ये चीजें खराब हो जाती हैं। तो इसलिए प्लास्टिक का हम यूज करते हैं क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होता है एयर और वाटर के साथ। और दूसरा रीजन क्या है? प्लास्टिक बहुत हल्का होता है,
हल्का होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, और ड्यूरेबल का मतलब बहुत चिरस्थायी होता है, इसलिए प्लास्टिक का यूज करते हैं। तीसरा रीजन क्या है, प्लास्टिक कुचालक है। कुचालक है मतलब ये पुअर कंडक्टर है। किसका कंडक्टर है? हीट, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए हम प्लास्टिक प्रिफर्ड करते हैं। इसके बाद दोस्तों क्या है, बायोडिग्रेडेबल, या इसे हम कहते हैं जैव जैव निम्नीकरण, जैव निम्नीकरण, जैव निम्नीकरण मतलब मटेरियल जो डिकम्पोज हो जाते हैं नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, जब उस पे बैक्टीरिया काम करता है तो जो मटेरियल डिकम्पोज हो जाते हैं उन्हें बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल जैव अनिम्नीकरण, अनिम्नीकरण मटेरियल जो इजिली डिकम्पोज नहीं होते नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, तो उन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, नॉन मतलब डिग्रेडेड नहीं होंगे या डिकम्पोज नहीं होंगे इजिली, इसलिए उन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। दोस्तों ये कुछ बेस्ट दिया है टाइप कि इनको कितना टाइम लगता है डिजनरेट होने में। अगर उनको इतना टाइम लग रहा है तो उस मटेरियल का नेचर कैसा है, वो बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो इसके आधार पे बताया गया। जो पील होता है वेजिटेबल्स का, फ्रूट होते हैं या लेफ्ट ओवर फूड जो बचा हुआ है, उनको डिजनरेट होने में 1 से 2 हफ्ते का समय लगता है, ये बायोडिग्रेडेबल है। पेपर क्या है दोस्तों, हम सभी जानते हैं पेपर बायोडिग्रेडेबल है, उसको डिग्रेडेट होने में 10 से 30 दिन का समय लगता है। कॉटन का क्लोथ भी दोस्तों बायोडिग्रेडेबल है, 2 से 5 महीने इसको लगते हैं। जो वुड होती है लकड़ी, ये भी बायोडिग्रेडेबल है, इसको 10 से 15 साल लगता है। उलेन का जो क्लोथ होता है ये भी बायोडिग्रेडेबल है, इसको 1 साल लग जाता है। लेकिन जो दोस्तों टिन है, एल्यूमिनियम है, अदर मेटल कैन है, इनको 100 से 500 साल लगता है और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। प्लास्टिक बैग को तो बहुत साल लग जाते हैं डिग्रेडेट होने में, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है क्योंकि प्लास्टिक जल्दी डिग्रेडेट नहीं होते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने क्या नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ा, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ मेटल क्या होती है। दोस्तों इसको हम पहले भी बता चुके हैं, मेटल कैसा होता है, मेटल हार्ड होता है दोस्तों। लस्टरस का मतलब ये क्या होता है, ये चमकीला होता है, चमकीला होता है, चमकीला होता है। मैलिएबल का मतलब इसको क्या है, इसको जब हम पीटते हैं तो हम पीट के इसको थिन सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैलिएबल होता है। और डक्टाइल का मतलब इसको हम तार के साइज में, तार के जैसा खींच सकते हैं। सोनोरस का मतलब जब हम इसको पीटते हैं तो ये रिंगिंग रिंगिंग साउंड पैदा करता है, रिंगिंग साउंड पैदा करता है। और मेटल क्या होता है दोस्तों, गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। ये कुछ एग्जांपल दोस्तों मेटल के दे रखे हैं, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि, और बहुत सारे हैं एग्जांपल जो मेटल के हैं। प्रॉपर्टी नॉन मेटल की क्या है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नॉन मेटल सॉफ्ट होता है और डल दिखता है, डल दिखता है। और इसको जब हम हैमर के द्वारा पीटते हैं तो ये पाउडर मास जैसे चिरकुना हो जाता है, इसको तोड़ने पर ये कोई रिंगिंग साउंड नहीं पैदा करता है और ये पुअर कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल दोस्तों है सल्फर है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, ये सब क्या है, ये नॉन मेटल के एग्जाम्पल है दोस्तों। ये नोट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये नोट इम्पॉर्टेंट है कि मेटल जो होते हैं सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं इतने ज़्यादा, अभी हमने बताया मेटल हार्ड होता है, लेकिन ये मेटल सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं, इनको चाकू से काटा जा सकता है। मेटल में केवल मरकरी है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है रूम टेम्परेचर पे, तो इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है।
दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल की क्या होती है। पहली प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मेटल दोस्तों ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, मेटल का ऑक्साइड बनाता है जो बेसिक नेचर का होता है। लेकिन दोस्तों यही नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो वो बनाएगी नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो एसिडिक नेचर का होता है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपर को जब एक मेटल है इसको हम नम वायु, ये सब क्या है, ये नम वायु है, ये सब नम वायु में ये सब पाया जाता है, ऑक्सीजन वाटर कार्बन डाइऑक्साइड उसमें रखते हैं तो बनता है COOH का वोल्टाइज और CuCO3 कॉपर कार्बोनेट। दोस्तों जब कॉपर का जो बर्तन है उसको लंबे समय तक नम वायु में क्या करते हैं, कॉपर के बर्तन को आप अगर लंबे समय तक नम वायु में रखेंगे, लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक कॉपर के बर्तन को नम वायु में रख दो तो उसपे जो हल्की हरे रंग की परत जमती है, हल्की हरे रंग की, उसपे हरे रंग की क्या होती है, परत जम जाती है। ये परत किसकी होती है दोस्तों, ये परत जो हल्की हरे रंग की होती है वो बनी होती है COOH का वोल्टाइज प्लस CuCO3 की। ये हल्की हरे रंग की परत होती है, इनका मिश्रण होता है। तो दोस्तों अगर ये पूछा जाए कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में रखने पर उसमें हल्की हरे रंग की परत जम जाती है, ये हल्की हरे रंग की परत किस चीज का मिश्रण होती है, तो वो मिश्रण होती है COOH का होल्टाइज प्लस कॉपर कार्बोनेट का, वो मिश्रण होती है। दोस्तों ये नोट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो जनरल मेटल के ऑक्साइड होते हैं, अभी हमने बताया वो बेसिक नेचर के होते हैं, और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। दोस्तों ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सोडियम मेटल को हम किरोसिन में स्टोर करके क्यों रखते हैं। इसलिए रखते हैं किरोसिन में स्टोर करके क्योंकि सोडियम मेटल बहुत रिएक्टिव होती है, यह ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बहुत ज्यादा हीट या उष्मा जनरेट करती है, इसलिए हम सोडियम मेटल को क्या करते हैं, किरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे रिएक्शन विद वाटर। दोस्तों जो जनरली नॉन मेटल होती हैं ये वाटर से रिएक्शन नहीं करती हैं, ये एयर से रिएक्शन कर सकती हैं, जबकि जो मेटल होते हैं वो वाटर से रिएक्ट करके मेटल का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि फास्फोरस को हम वाटर में क्यों स्टोर करते हैं, क्योंकि क्योंकि फास्फोरस क्या है दोस्तों, वेरी रिएक्टिव। क्या है रिएक्टिव, आप सभी लोग जानते होंगे फास्फोरस नॉन मेटल है। क्योंकि फास्फोरस बहुत रिएक्टिव नॉन मेटल है, इसलिए वो क्या है, जब एक्सपोज होता है किसमें, एयर में, तो वो कैच कर लेता है, क्या ये फायर को, फायर कैच कर लेता है, इसलिए हम फास्फोरस को वाटर में स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि ये नॉन मेटल है, ये वाटर से रिएक्शन नहीं करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों रिएक्शन विद एसिड। नॉन मेटल जो होती है वो रिएक्ट नहीं करती है जनरली एसिड से, लेकिन मेटल जो है वो रिएक्ट करते हैं एसिड से और बनाते हैं मेटल का साल्ट और हाइड्रोजन गैस। दोस्तों ये जरूर याद रखिएगा, हाइड्रोजन जो गैस होती है वो कैसे जलती है, वो पॉप साउंड के साथ जलती है। इसके बाद क्या है दोस्तों, इसके बाद रिएक्शन विद बेस है। जो मेटल होते हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं बेस से, प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन गैस, लेकिन जो नॉन मेटल होती है अगर वो बेस से रिएक्ट करेंगी तो एक बहुत ही जटिल संरचना बनाएंगी। कॉम्प्लेक्स का मतलब बहुत जटिल संरचना बनाती है। इसके बाद क्या है दोस्तों, इसके बाद हम पढ़ेंगे विस्थापन रिएक्शन।
विस्थापन रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन रिएक्शन क्या होती है दोस्तों? इसका मतलब है विस्थापन की एक बहुत ही रिएक्टिव मेटल जो होती है वो डिस्प्लेस करती है लेस रिएक्टिव मेटल को, लेकिन एक लेस रिएक्टिव मेटल जो है अधिक रिएक्टिव वाले मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकती है। उसे ही हम क्या कहते हैं? विस्थापन रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव मेटल है किससे? मोर रिएक्टिव मेटल है कॉपर और आयरन से। अब दोस्तों क्या किया आपने? कॉपर सल्फेट का नीला नीला सोल्यूशन लिया, इसमें आपने जिंक को डाला। चूंकि ये जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर और आयरन से तो ये इससे जो है डिस्प्लेस कर देगी कॉपर को, तो ये बनाएगी जिंक सल्फेट का रंगहीन सोल्यूशन, और कॉपर अलग प्रेसिपिटेट हो जाएगा लाल कलर के रंग में। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें अधिक रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है। दोस्तों एक डेफिनेशन है एलिमेंट। एलिमेंट वो सब्सटेंस होते हैं जिनको हम फर्दर तोड़ नहीं सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा, चाहे कूलिंग करके, हीटिंग करके या इलेक्ट्रोलिसिस करके, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? एलिमेंट। एग्जाम्पल के लिए सल्फर। सल्फर एक एलिमेंट है दोस्तों, एलिमेंट है। इसको और छोटे टुकड़ों में तोड़ा नहीं जा सकता है। स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है एलिमेंट की वो क्या होती है? एटम होती है। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, नेचुरली 94 से अधिक नेचुरल एलिमेंट नहीं पाए जाते। इसके बाद जो एलिमेंट पाए जा रहे हैं वो मैन मेड एलिमेंट हैं, और इसमें से मैक्सिमम क्या है? मेटल है। और जो नॉन मेटल है वो 20 से कम उनकी संख्या है, और जो मेटेलॉयड होते हैं उसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के करेक्टर पाए जाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आज हमने क्या पढ़ा? नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर को थोड़ा डिटेल में पढ़ा, सिंथेटिक फाइबर के टाइप पढ़ा। इसके बाद हमने बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल पढ़ा, हमने मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टी को पढ़ा और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है उसके बारे में जाना। हमने जाना कितने एलिमेंट होते हैं, उसमें से कितने मेटल होते हैं, कितने नॉन मेटल होते हैं। तो दोस्तों आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद कल हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? कल हम स्टार्ट करेंगे रिसोर्सेज जो हमारे पाए जाते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, कौन से रिसोर्सेज अच्छे प्राकृतिक संसाधन हैं और कौन से समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं, उनके बारे में कल हम चर्चा करेंगे दोस्तों। यदि दोस्तों आपको कोई डाउट होता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। धन्यवाद।